मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभाजन विभीषिता स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र जिले के पीपली के नज़दीक इनकी याद में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। पंचनंद स्मारक ट्रस्ट को शहीदी स्मारक ट्रस्ट बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह ट्रस्ट अर्ध सरकारी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे स्मारक बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। समाज का हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें योगदान देगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते इसमें भरपूर सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से नीचे आकर विभाजन विभीषिका को झेलने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के मंच से नीचे आकर सम्मानित करने पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया और बुजुर्ग भी वाह विभोर हुए। कल तो 15 अगस्त है, अपने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक खुशी का दिन होगा, लेकिन आज 14 अगस्त, इसके बारे में क्या कहा जाए? कम से कम ये दिन खुशी का तो नहीं हो सकता। हां, हमारी पीड़ा वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है। आज इस गौरवपूर्ण दिन पर हम एकत्र हुए हैं। पूरे देश में, इस देश की जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये मनाया जा रहा है। हमको पता है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी, और लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया, एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ है तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की, जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ, किसके लिए? आजादी के लिए। लेकिन ये पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। जब वहां से लोग चले थे तो चलते समय उनको यह नहीं पता था, कहते हैं कुछ यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें,
यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था। चल पड़े काफले में, जाना कहां है पता नहीं। बहुत से लोग आज हमने जिनका सम्मानित किया है, जिनको सब लोग तो आने संभव भी नहीं थे, आयु के कारण से आ नहीं पाए, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं सारे देश में जो उन घटनाओं को याद किए हुए हैं और वो इस रोंगटे खड़े होने वाली घटनाओं को भूल नहीं पा रहे। जब लोग वहां से चले हैं तो ऐसा नहीं कि बना बनाए उनको कहीं घर मिल गए होंगे, रास्ते में कैंपों में रहना पड़ा। लगभग 1,20,00,000 लोग ये विस्थापित हुए, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ के। उसमें यहां से पाकिस्तान जाने वाले लोग भी थे, यहां से पूर्वी बंगाल जाने वाले लोग भी थे, सिंध जाने वाले लोग भी थे, और सिंध से, पश्चिमी पंजाब से, पूर्वी बंगाल से आने वाले लोग इधर भारत में आए वो लोग भी थे। कितने लोग शहीद हुए संख्या कोई ठीक से हिसाब किताब नहीं है। लाखों की संख्या में लोग शहीद होना और इस प्रकार से देश के इस विभाजन के ऊपर ये जो विषय आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं ये जो शहीद थे, अगर ये कहा जाए कि देश की आजादी की ये अंतिम शहादत थी तो कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यही लाखों की शहादत देश की आजादी के लिए ये शहादत देनी पड़ी। और उनको ना क्योंकि देश प्यार था, वहां से आए तो अपमान भी सहना पड़ा, अपमान के घूंट, छोटे थे तब कुछ लोग दूर से पुकारा करते थे ओ शरणार्थी के, ओ शरणार्थी के, यानी शरणागत जो आता है उसको शरणार्थी कहते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं ये समाज शरणार्थी नहीं था, ना था ना है, ये समाज विस्थापित जरूर है, किसे आगे आगे हाथ नहीं फैला। आज वक्त इस बात को याद करने का है कि इस देश में पिछले 67 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तो अब 8 साल से हैं, क्या उन 67 सालों में किसी ने इस समाज की कुर्बानियों का याद किया? किसी ने नहीं किया। ये पीड़ा श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के अपने प्रधानमंत्री उनके मन में उठी कि जिनके परिवार उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपनों को कत्ल भी किया, ऐसे समाज को याद करने के लिए हमको ये जो 14 अगस्त का दिन है इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना चाहिए। ये पिछली बार लाल किला 15 अगस्त से 2021 में उन्होंने घोषणा की। आभारी हूं मैं उनके, प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये भी कहा कि 20वीं सदी की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, यानी 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी 1947 की ये है। दुनिया की सब त्रासदियों को मिला करके इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा विस्थापन, इतनी बड़ी शहादतें, ये दुनिया के किसी देश में ये नहीं हुई है। विभाजन तो और देशों के भी हुए हैं लेकिन इस भारत पाकिस्तान के विभाजन पर ये सबसे बड़ी त्रासदी है, और जिसमें मैंने बताया कि लाखों लोग उसके अंदर जो है विस्थापित हो गए। भाइयों बहनों, उस समय जब लोग आए तो सहायता की जब बात चली, किसी ने अपना दुकान बनाई, जो किसान थे उनको अपनी खेती की जमीनें मिली तो सही लेकिन कई साल के बाद मिली। ऐसे भी कुछ लोग थे जो किसान तो नहीं थे लेकिन मुजाहरे थे, खेती करते थे, दूसरों की जमीनों की करते थे, उनके सामने एक बात रखी गई कि आप भी खेती कर सकते हैं क्या, और ऑफर हुई कि यहां बंजर भूमि बहुत सी पड़ी है, नदियों के किनारे पंचायतों की जमीनें, आप उसके ऊपर खेती कर सकते हैं क्या? उन किसानों की हिम्मत है, उन जमीनों को लेकर के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का काम, ऊसर बनाने का काम उन्होंने किया, और आज लाखों किसान ऐसे हैं जो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए हुए, जिन्होंने यहां की बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 75 साल के बाद भी उनको उन जमीनों के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार अभी नहीं मिला है। एक बड़ी त्रासदी है।
भाई बहनों जरूर उनका विचार करेंगे कि जो 70-75 साल से अपनी भूमि को जोत रहा है, जिसने उसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है, उसका सारा अधिकार नहीं, कुछ अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से उनकी जो व्यवस्था है इसके अंदर सुधार करने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाई बहनों कभी कभी लगता है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, मोदी जी के मन में क्या आया होगा। ध्यान में आता है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी, उसको ये विभाजन की सारी घटनाएं पता लगनी चाहिए। इसमें से उनके मन में एक देशभक्ति का ज्वार, देश के प्रति एक अच्छा भाव, ये जागृत हो। क्योंकि उस समय जो विभाजन की स्थितियां थी, कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं जब होती हैं तो आज भी लगता है कि विभाजन की ताकतें वो समाप्त नहीं हुई है, सोई नहीं है। इसलिए अगर हम समाज को जागृत करेंगे तो कम से कम इस प्रकार का दोबारा से कोई क्षण कभी ना आए कि देश किसी और विभाजन की तरफ आगे बढ़े। ये देश आज जो है इसको सुरक्षित रखना ये हमारा सबका काम है। तो इसलिए देशभक्ति का भाव उनके मन में आए, यही इसके पीछे एक विषय हो सकता है जिसके कारण से देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी को एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रभक्ति का भाव उनमें जागृत हो, जागृत होगा तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका हम ठीक से निभा पाएंगे। और एक दूसरी बात, कोई भी समाज अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी बोली को, अपने रहन सहन को जरूर याद करे, याद रखे, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे अपने इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा खान पान, उसके प्रति हमें गौरव महसूस होना चाहिए। मैं आज इस पावन धरा से जो लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात और भी आपकी जानकारी के लिए, जब ये सब हम सबने देखा तो अपने ही समाज के कुछ ऐसे लोग आगे बढ़े जिन्होंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया और वो है पंचनद स्मारक समिति। पंचनद स्मारक समिति जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुभाष सुधा जी हैं, सबका बाकियों का सहयोग रहता है, बहुत से उसमें ट्रस्टी भी हैं, आज बहुत ट्रस्टी यहां आए हुए भी हैं, सारे उस पंचनद स्मारक जो हमारा ट्रस्ट है उसके सब पदाधिकारी भी यहां आए हुए हैं। सबने मिलकर एक विचार किया कि एक क्यों नहीं शहीदी स्मारक बनाया जाए, लाखों लोगों की स्मृति ये याद रहनी चाहिए। तो जैसा सुभाष सुधा जी कह रहे थे, एक यहां कुरुक्षेत्र जिले में ही पिपली के पास एक गांव में कुछ जमीन देखी गई है, कुछ उसका सौदा कर भी लिया है, कुछ रजिस्ट्री हो गए, कुछ अभी नहीं हुई है। तो ऐसा लगभग 20-25 एकड़ जमीन लेकर के और वो जो शहीदी स्मारक बनाया जाएगा और ये जो हमारा पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उसको संचालित किया जाएगा। विचार ये भी चल रहा है कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी कुछ हो जाए ताकि अर्ध सरकारी वो ट्रस्ट बने। मैं निवेदन करूंगा स्वामी धर्मदेव जी से, सुभाष सुधा जी से, कि उस ट्रस्ट की गतिविधियां, शहीदी स्मारक वाली गतिविधियां जल्दी से शुरू करें। और जल्दी से शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा समाज है, बड़ा संपन्न समाज है, इस समाज के आगे कोई कमी नहीं है, जितना पैसा चाहेंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। स्मारक ट्रस्ट के लोग जितना करें करें, बाकी कोई कमी रहेगी मेरे जिम्मे लगा दें, मेरे बहुत संबंध बन गए हैं ऐसे सब लोगों को कहने का काम मेरा है, जो उनको करोड़ों रुपए का योगदान वो दिलवाएंगे। तो एक अच्छा बड़ा शहीदी स्मारक, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बननी चाहिए। हरियाणा में ऐसे जो शहीद हुए उनके आगे जो वारिस हैं, उनके परिवारजन हैं, ये शायद और प्रदेशों में सबसे ज्यादा हरियाणा में हैं, दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, उत्तराखंड में हैं, पंजाब में भी हैं, बाकी सब प्रांतों में हैं। लेकिन अगर मैं संख्या के हिसाब से कहूंगा तो सबसे ज्यादा अगर उनके वारिस आज भी विद्यमान हैं तो हमारे हरियाणा में हैं। धनपति
दौलतपति, लखपति, करोड़पति, ये दिल्ली में भी बहुत हैं, हरियाणा में भी हैं, मुंबई में भी हैं, विदेश में भी हैं। हम अगर एक 400-500 लोगों की भी लिस्ट बना लेंगे तो वो करोड़ों रुपया जो हमको आवश्यकता है, समाज, मैं कहता हूं, खुल करके आगे आएगा, अपने पूर्वजनों के खातिर उनकी स्मृति में जरूर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैं यही कहूंगा कि जब ऐसा ये प्रकल्प चलता है तो उस प्रकल्प में ऐसा नहीं है कि जो बड़े साधन संपन्न और धनवान लोग हैं वही योगदान करेंगे, समाज का हर परिवार, हर सदस्य, उसमें चाहे छोटा योगदान है, बड़ा योगदान है, सबको करना है, तब लगेगा कि ये हमारे समाज द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है और इसका शहीदी स्मारक है। मैं अपने पूर्वजों के लिए, उनकी याद में ये सब कर रहा हूं, तो योगदान की सीमा नहीं होती, एक रुपए से लेकर और असंख्य तक जितना भी योगदान कोई करेगा, सबको उसके अंदर एक प्रकार से मान्यता दी जाएगी, उनको स्मरण किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग स्मारक ट्रस्ट में जल्दी से जल्दी इसको हम बनवाएं, ऐसा मैं निवेदन अपने जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट के जितने बंधु हैं उनको सबको करता हूं। और हां, एक जानकारी और भी आपको देता हूं, उस ट्रस्ट का मैं भी एक सदस्य हूं, मुझे भी सदस्य बनाया गया था, इसलिए मैं भी अपनी ओर से जो उसमें करना होगा बहुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।